गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, आई एम रुचि गुप्ता, योर मैथ्स टीचर. इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5. नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन ट्रायंगुलर रीजन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आर ट्रायंगल एंड इट्स ट्रायंगुलर रीजन. पेज नंबर 152 पे ट्रायंगल है, बीच में लाइन डालना. एक तरफ ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखनी है आपको. अ ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस और एनी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लाइंग इन अ प्लेन कैन बी जॉइंड टू फॉर्म ए ट्रायंगल. दूसरी साइड लिखेंगे ट्रायंगुलर रीजन. द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल अलोंग विद द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर रीजन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में बेटा फिगर बने हुए हैं. इस फिगर को देख को आपका आंसर देना है. फर्स्ट पार्ट है द साइड अपोजिट टू एंगल ए. एंगल ए के अपोजिट साइड बी सी. पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ये आंसर है. सेकंड में द एंगल अपोजिट टू द साइड ए सी. ए सी के अपोजिट साइड का एंगल, एंगल बी. थर्ड पार्ट द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड ए बी. ए बी के अपोजिट वर्टेक्स सी. फोर्थ पार्ट द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स बी. बी के अपोजिट साइड ए सी. थर्ड में आपको वर्टेक्स बताना है ए बी के अपोजिट. ए बी के अपोजिट वर्टेक्स है आपका सी. फोर्थ में द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स बी. बी के अपोजिट साइड ए सी. फिफ्थ पार्ट द इंटीरियर अपोजिट एंगल टू एंगल ए सी एक्स. देखो ए सी एक्स यानी ये वाला एंगल. इस एंगल के अपोजिट इंटीरियर यानी अंदर के एंगल, एंगल ए एंगल बी. सिक्स पार्ट है द इंटीरियर अपोजिट एंगल टू एंगल बी सी वाई यानी ये वाला एंगल. इसके इंटीरियर अंदर के अपोजिट एंगल, एंगल ए एंगल बी. ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, कॉपी में लिखना है आपको. एट्थ क्वेश्चन है. एट्थ क्वेश्चन में आपको साइड्स गिवन है. साइड्स को देख के आपको बताना है बेटा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलन है या इक्विलेटर है. एट्थ का फर्स्ट पार्ट है, 3 साइडें दी हुई हैं. 3 में से ये 2 साइड आपकी सेम है. जब 2 साइडें सेम है इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सेकेंड पार्ट में तीनों के तीनों साइड आपकी अनइक्वल है, तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलन ट्रायंगल है. नेक्स्ट में तीनों साइड आपकी सेम है, जब तीनों साइड सेम होती हैं तो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है. ठीक है, एट्थ के बाकी सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं. नाइन्थ क्वेश्चन में बेटा आपको एंगल गिवन है. एंगल देख के आपको बताना है कौन सा ट्रायंगल है. अगर तीनों में से एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है इट मीन्स वो है राइट ट्रायंगल. अगर तीनों के तीनों एंगल आपके लेस देन 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो एक्यूट ट्रायंगल है. तीनों एंगल में से अगर एक एंगल आपका 90 से मोर देन है तो होता है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल के 2 एंगल गिवन है, थर्ड एंगल आपको निकालना है. सम ऑफ टू एंगल्स, जो 2 एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है 101 डिग्री और 11 डिग्री, दोनों को प्लस कर दिया हमने 112 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम होता है 180. थर्ड एंगल हमें निकालना है, 180 में से 112 माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल आ जाएगा आपका 68 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 5/8 ऑफ द थर्ड एंगल. इसमें 2 इक्वल एंगल्स हैं इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है. थर्ड एंगल हमने मान लिया x, तो जो 2 इक्वल एंगल्स हैं वो थर्ड एंगल का 5/8 है. इट मीन्स 2 इक्वल एंगल्स हो जाएंगे 5/8x, 5/8x. ये 2 इक्वल एंगल्स हैं. इन तीनों का सम 180, तीनों को प्लस कर दिया, बाई में है एलसीएम आ जाएगा 8. ये 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 8x + 5x + 5x. तीनों को प्लस किया 18x/8=180. एक्स की वैल्यू निकालनी है, 18/8 राइट हैंड साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/18. दोनों को कट किया 10 × 8=18. थर्ड एंगल आ गया आपका 80. टू इक्वल एंगल्स 5/8x
फाइव बाई एट, एक्स क्या था हमारा 80, 8 और 80 को कट किया हमने 10, 10 फाइव ज़ा 50, जो दो इक्वल एंगल्स थे वो 50-50 के, थर्ड एंगल आया 80, तीनों का सम करके देखो आता है 180। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको राइट ट्रायंगल गिवन है, राइट यानी एक एंगल हो गया 90 का, एक आपको दिया हुआ है 36, वन एक्यूट एंगल 36, राइट एंगल हो गया 90, सम ऑफ टू एंगल्स दोनों को प्लस किया 126, अदर एक्यूट एंगल थर्ड एंगल निकालना है, 180 में से 126 माइनस कर दिया तो थर्ड एंगल आ जाएगा हमारा 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13-14 बिल्कुल सेम है। 13 में ट्रायंगल के तीनों एंगल की रेशियो आपको गिवन है 4:3:2, सम ऑफ रेशियो तीनों को प्लस किया हमने 9, फर्स्ट एंगल निकालेंगे 4/9 मल्टीप्लाई 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है 180, 9 और 180 को कट कर दिया 2, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, सेकेंड एंगल निकालेंगे 3/9, 9 को कट किया 20, 23 = 60, थर्ड एंगल 2/9 मल्टीप्लाई 180, 9 को 180 से कट किया 20, 20 × 2 = 40 डिग्री, तीनों एंगल आ गए 80, 60 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम है। 15 क्वेश्चन में हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। पहले हम जेड की वैल्यू निकालते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में इस साइड का ट्रायंगल लेते हैं, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी दिया हुआ है 40 और एंगल ए दिया हुआ है 30, जेड निकालना है हमने, 40 और 30 दोनों को प्लस किएंगे 70, उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल जेड आ जाएगा 110। फिर वाई और जेड ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ये हमने निकाला 110, लीनियर पेयर का सम होता है 180, 180 में से 110 माइनस कर देंगे, एंगल वाई निकालने के लिए 180 में से 110 माइनस किया तो 70 डिग्री आ गया। हमने 180 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। फिर इन ट्रायंगल एडीसी में अब हमने इस साइड वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, ये 80 दिया हुआ है, ये अभी हमने 70 निकाला, इन दोनों को प्लस किया 70 + 80 और 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल एक्स आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।